आज प्रस्ताव नंबर 6 में जो आपकी मीटिंग हो रही है साधारण सभा की नगर निगम में, प्रस्ताव नंबर 6 लाए हैं उसमें ग्रीन बॉन्ड की चर्चा है, तो वो क्या है, लोगों को आप बताएं कि क्या है वो ग्रीन बॉन्ड। देखिए, ग्रीन बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जनता की सहभागिता लेंगे, और जिस तरह आपने देखा होगा सबने कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये ग्रीन बॉन्ड की स्कीम को आज मैंने अपने प्रस्ताव में रखा था। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता को कैसे हम नगर निगम से जोड़ें, और नगर निगम से जोड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि आज आपने देखा होगा इंदौर में भी ग्रीन बॉन्ड जारी हुए, लेकिन मैं आपको बता दूँ देश में पहला अभी का ये शहर होगा, जयपुर नगर निगम होगा, जो STP के ऊपर ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। इंदौर ने जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है वो सोलर प्लांट के ऊपर है, लेकिन हमारा जो है वो STP के ऊपर है। इसके अंदर हम 3 काम करेंगे, बायोगैस का निर्माण भी करेंगे, सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेंगे, और उसके साथ साथ वाटर को भी ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड वाटर का भी इसमें प्लांट है। इन तीनों से ही निगम की आय होने वाली है, और उस आय को जो उस प्लांट में खर्चा होगा उसकी भी पूर्ति होगी, साथ में जो जनता इसमें इन्वेस्ट करेगी बॉन्ड के माध्यम से, हम उनको रिटर्न के माध्यम से जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उस पर रिटर्न के माध्यम से उनको वापस भी करेंगे। इससे जनता में एक तो जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही आने वाली पीढ़ी, जिस तरह मैंने अपने भाषण में भी बोला था कि हम पहली पीढ़ी और आखिरी पीढ़ी होंगे जो इस पर ध्यान देंगे, कि पहली पीढ़ी इसलिए क्योंकि अभी समस्या सबसे ज़्यादा है, और आखिरी पीढ़ी इसलिए कि अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया तो इसके दूरगामी जो प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये इंटरेस्ट की जाइए कि कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे बैंक में 6 या 7% मिलता है, तो ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से उनको क्या फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, अभी मैं आपको इंटरेस्ट रेट तो पूरी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट शाखा अभी इस पर पूरा वर्क करेगी। ये अभी प्रस्ताव सिर्फ आम सभा में लाया गया है कि इस तरह से निगम को भी काम करना चाहिए, बट हाँ, जिस तरह से हमने देखा कि इंदौर में 8.25% के ऊपर है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी तरह हम यहाँ पे भी परसेंट जो है वो उतने उसी हिसाब से रखेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड 3, 5, 7 और 9 साल इस अवधि में रहता है, तो उसी तरह हम इसके ऊपर पूरी हमारी जो प्रोजेक्ट शाखा है और जो भी इंजीनियरिंग विंग है वो पूरा इस पर काम करेंगे, और पूरा बायलॉज के साथ इसके अंदर पूरे नियम अनुसार काम करके इसको जारी करेंगे। कब तक लग रहा है कि आप ये ग्रीन बॉन्ड ले आएंगे मार्केट में? देखिए, अभी मैं निश्चित समय तो नहीं बता सकता कि कितने समय तक आ जाएगा, बट हाँ, कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द, जितना भी हो सके जल्द से जल्द हम इस कार्रवाई को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।